जहाँ तक हम बात करें संदीप सर और विवेक सर की कंट्रोवर्सी की, तो उसमें क्या हुआ था कि जो विवेक सर का कोर्स था वो स्पेशली उन लोगों के लिए था जिन्हें बिजनेस की थोड़ी बहुत नॉलेज है या फिर जो लोग छोटा मोटा बिजनेस करते हैं। जैसे कि विवेक सर की कंपनी का नाम है बड़ा बिजनेस, तो ये कोर्स उन लोगों को सेल करना था जो छोटा मोटा बिजनेस करते हैं या फिर जिन्हें बिजनेस की नॉलेज है और वो लोग अपने बिजनेस को बड़ा बनाना चाहते हैं। लेकिन हे गाइस, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे MLM के बारे में। आप इसको कह सकते हो नेटवर्क मार्केटिंग, पिरामिड स्कीम, डायरेक्ट सेलिंग, आप कुछ भी कह सकते हो। इनके नाम अनेक हैं लेकिन इनका काम सिर्फ एक ही होता है, जो कि है बंदे जोड़ना। क्योंकि ये ज़्यादातर कंपनीज होती हैं, इनके प्रोडक्ट में कोई दम नहीं होता। ये प्रोडक्ट के नाम पर आपको सिर्फ सपने बेचती हैं, वो सपने जो आपके पूरे हो ना हो लेकिन इनके ज़रूर हो जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं MLM क्या है। तो MLM का मतलब है मल्टी लेवल मार्केटिंग। क्योंकि ये जो स्कीम होती है इसमें बहुत सारे लेवल्स होते हैं। आप इसको कह सकते हो नेटवर्क मार्केटिंग पिरामिड स्कीम, क्योंकि एक के नीचे दो या तीन बंदे जुड़ते हैं, फिर उनके नीचे दो या तीन जुड़ते हैं और ये एक पिरामिड टाइप स्ट्रक्चर बन जाता है। आप इसको कह सकते हो डायरेक्ट सेलिंग, क्योंकि इन कंपनियों का जो भी प्रोडक्ट होता है उसकी आपको कभी भी कोई एडवर्टाइजमेंट वगैरह देखने को नहीं मिलती। इनका जो ज़्यादातर काम होता है वो पर्सन टू पर्सन डायरेक्ट सेल किया जाता है। और इन सब स्कीम्स में जो ऊपर बैठे बंदे हैं वो तो पैसा कमा लेते हैं, लेकिन जो इन स्कीम्स में पिरामिड में नीचे ज्वाइन होकर फंस जाते हैं वो पैसा नहीं कमा पाते, यहाँ तक कि वो अपना पैसा भी रिकवर नहीं कर पाते। हो सकता है अब कुछ लोग ये सोचें कि अगर हम पिरामिड के टॉप लेवल्स पर ज्वाइन करें तो शायद हम इन स्कीम से अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होने के चांसेस काफ़ी कम है। क्योंकि टॉप लेवल पर बिजनेस का ओनर, उसके बाद उनके बिजनेस पार्टनर्स, उसके बाद उसकी फैमिली, रिलेटिव्स, दोस्त, यही सब आ जाते हैं और यही लोग टॉप लेवल्स पर बैठे रहते हैं और उसके बाद जाकर कहीं आपका नंबर आता है और आप हमेशा पिरामिड के निचले लेवल्स पर ही होते हो। और इन्हीं सब वजहों से आप इन स्कीम से अच्छी खासी अर्निंग नहीं कर पाते। तो सबसे पहले बात करते हैं MLM स्कीम इंडिया में कब आई। तो MLM स्कीम इंडिया में 1995 में आई थी। उस टाइम ऐसा होता था कि एक बंदा अपने नीचे तीन बंदे जोड़ता था, उनसे पैसे लेता था और कहता था कि इतने टाइम बाद, मतलब एक या दो साल बाद आपको इतना रिटर्न मिल जाएगा, और उनसे कहता था कि अगर आप अपने नीचे तीन तीन बंदे और जोड़ोगे तो उनका जो भी पैसा होगा उसका भी कुछ परसेंट कमीशन आपको मिल जाएगा। और इस तरह ये लोग एक से तीन होते थे, 3 से 9, 9 से 27, और ऐसे ये स्कीम चलती रहती थी। और जब अच्छा खासा पैसा इकट्ठा हो जाता था तो ऊपर वाला बंदा भाग जाता था और जो बाकी नीचे वाले बंदे हैं वो अपने पैसे के लिए रोते रहते थे। और जब गवर्नमेंट को इन सब के बारे में पता चला तो गवर्नमेंट ने इन सब स्कीम्स को बंद कर दिया प्राइस चिट एंड मनी सर्कुलेशन एक्ट के तहत। तो अब आप सोच रहे होंगे कि अगर गवर्नमेंट ने इन सब स्कीम्स को बैन कर रखा है और ये सब इंडिया में इलीगल है तो ये स्कीम्स इंडिया में चल कैसे रही हैं। तो मैं आपको बता दूं, हमारे भारत में जुगाड़ू लोगों की कोई कमी नहीं है, हमारे पास हर चीज़ का जुगाड़ होता है। और इसलिए ये जो कंपनीज थी इन्होंने अपनी स्कीम में प्रोडक्ट को ऐड कर दिया, मतलब अब आप पैसा दोगे तो बदले में आपको प्रोडक्ट दिया जाएगा, क्योंकि पैसे के लेन देन पर बैन है। लेकिन यहाँ इन्होंने पैसे लेकर बदले में आपको प्रोडक्ट दिया है, इन चीज़ों पर बैन नहीं है। और इसी वजह से ये जो कंपनी है ये लोगों को ज्वाइन करते वक्त कभी भी उनकी एज, स्किल या क्वालिफिकेशन कुछ चेक नहीं करती। आपके पास सिर्फ इतना पैसा होना चाहिए कि आप उनका जो स्टार्टर पैक है या फिर उनकी जो वेलकम किट है उसको आप खरीद सकें। आपके पास सिर्फ इतना पैसा होना चाहिए। और ज़्यादातर कंपनियों का जो प्रोडक्ट होता है वो किसी काम का नहीं होता। मान लेते हैं एक प्रोडक्ट है, एक शैम्पू, इसका जो प्राइस है वो है 200 रुपये, लेकिन ये कंपनियां इस शैम्पू को बेचते हैं 2000 में। और जब आप उनसे पूछते हो कि ये इतना महंगा क्यों है तो ये कंपनियां कहती हैं कि ये अब तक का बेस्ट प्रोडक्ट है, पूरी दुनिया में ऐसा कोई प्रोडक्ट अब तक बना ही नहीं है, यही प्रोडक्ट है जो आपके बालों की सारी समस्याओं को दूर कर सकता है। इसके अलावा बहुत ही बड़े बड़े क्लेम करते हैं अपने प्रोडक्ट को लेकर। और जो बाकी बचा हुआ पैसा है 1800 रुपये, उसमें से कुछ जाता है कमीशन के रूप में जो टॉप लेवल्स पर बंदे बैठे हैं उनके पास, और बाकी जो पैसा बचता है उसको ये खर्च करते हैं सेमिनार्स पर, जहाँ पर लोगों को मोटिवेट किया जाता है या फिर ऐसा कहें कि लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है और उन्हें सिखाया जाता है कि कैसे आपको दूसरे लोगों को बेवकूफ बनाना है। जहाँ पर आप में से ही किसी एक बंदे को स्टेज पर खड़ा किया जाता है जिसके अकाउंट में 1500 या 2000 रुपये आने पर ये लोग उसके स्वागत में 50,000 तक खर्च कर देते हैं, उसको फूल मालाएं पहनाई जाती हैं। उसके बाद आता है कंपनी का ओनर सूट बूट पहन के, जो अपनी कहानी सुनाता है जिसमें वो कहता है कि जब मैंने स्टार्ट किया था मेरा भी 1500 का चेक आया था, उसके बाद आज देखो मैं कहाँ पहुँच गया, क्या आप सब भी पहुँचना चाहते हो। वह अपनी लग्जरियस लाइफस्टाइल आपको दिखाता है, महंगी महंगी कारें,
बड़े बड़े घर, फॉरेन ट्रिप्स की फोटोज आपको दिखाता है और वो जानबूझकर ऐसी स्टोरी सुनाता है जिससे आप रिलेट कर पाते हो। जैसे कि जो मिडिल क्लास फैमिली के इंसान की लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, वही प्रॉब्लम्स वो अपनी स्टोरी में बताता है जिससे आप रिलेट कर पाते हो। और वो बताता है कि कैसे इस कंपनी को ज्वाइन करने के बाद मैं इन सारी प्रॉब्लम से बाहर निकल पाया और एक बड़ा आदमी बन पाया। और ये लोग आपको इतने बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, इतना मोटिवेट करते हैं जिससे आप मजबूर हो जाते हो उनकी स्कीम में ज्वाइन होने के लिए। लेकिन जल्दी ही लोगों को स्कीम की सच्चाई पता चल जाती है और उसके बाद या तो वो कंपनी को छोड़ देते हैं या फिर अपने पैसे को रिकवर करने के लिए ही उस स्कीम्स में लगे रहते हैं। और अगर आप उनसे अपने पैसे रिफंड करने की बात करते हो तो ये लोग कभी भी आपका पैसा रिफंड नहीं करते या आपको बोलते हैं कि अपने नीचे बंदे जोड़ो और उनसे जो कमीशन मिलेगा उससे आपका जो पैसा है वो आपको रिफंड मिल जाएगा। जितने ज़्यादा बंदे आप जोड़ोगे उतना ज़्यादा कमीशन आपको मिलेगा। और इन स्कीम्स में अलग अलग लेवल्स भी होते हैं, जैसे आप 100 बंदे जोड़ोगे तो आप ब्रॉन्ज लेवल पर पहुंच जाओगे, उसके बाद 500 या 1000 बंदे जोड़ने पर गोल्ड या डायमंड लेवल, ऐसे इनके अलग अलग लेवल्स होते हैं और हर लेवल पर ही आपको गिफ्ट देते हैं। जैसे कि ब्रॉन्ज लेवल पर आपको कोई वॉच गिफ्ट दे देंगे, जब आप गोल्ड या डायमंड लेवल पर पहुंचोगे तो आपको मोबाइल फ़ोन गिफ्ट दे देंगे। और उसमें कुछ ऐसी लेवल्स भी होती हैं जहां पर आपको कार या फिर फ्लैट भी प्रॉमिस किया जाता है, लेकिन उन लेवल्स पर कभी कोई पहुंच ही नहीं पाता। और ऐसे ही स्कीम आगे बढ़ती रहती हैं और आप इनके डिस्ट्रीब्यूटर और कस्टमर बनकर रह जाते हो। आपको कभी समझ नहीं आता कि आप सेलर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो या फिर खुद ही कस्टमर हो, और आप कभी अमीर नहीं बन पाते। और ये जो फेक MLM कंपनीज हैं, इनके प्रोडक्ट्स की कभी आपको कोई एडवर्टाइजमेंट वगैरह देखने को नहीं मिलती, क्योंकि ज्यादातर कंपनियों के प्रोडक्ट में कोई दम नहीं होता। अब आप सोच रहे होंगे कि गवर्नमेंट ये जो प्रोडक्ट वाली स्कीम है इनको भी बैन क्यों नहीं कर देती। तो गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि कुछ कंपनीज है जो कि काफी अच्छा काम कर रही हैं, जिनके प्रोडक्ट काफी अच्छे हैं, लेकिन कुछ ही कंपनीज हैं क्योंकि जिन कंपनियों का प्रोडक्ट अच्छा है वे अपने प्रोडक्ट को दुगने तिगुने दाम पर बेचती हैं। और अगर आप उनसे डिस्काउंट मांगते हो तो ये आपको कहते हैं कि अपने नीचे 100 बंदे जोड़ो तो हम आपको 10% डिस्काउंट दे देंगे, और ऐसे ही 500 या 1000 बंदे जोड़ने पर ये आपको 40-50% तक मैक्सिमम डिस्काउंट दे देते हैं। लेकिन इनका जो बंदे जोड़ने का काम है वो परमानेंट रहेगा। लेकिन सभी कंपनियों का फोकस बंदे जोड़ने पर नहीं होता, कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जिनका प्रोडक्ट भी काफ़ी अच्छा है और जो प्राइस है वो भी रिजनेबल है, लेकिन कुछ गिनी चुनी ही कंपनी ऐसी हैं, ज़्यादातर जो कंपनी है वो फ्रॉड ही निकलती हैं। सो अब बात करते हैं लोग इन स्कीम्स में इतनी आसानी से फंस कैसे जाते हैं। तो ये जो MLM कंपनीज होती हैं वो ज़्यादातर मिडिल क्लास या फिर पूर फैमिली के लोगों को टारगेट करती हैं, क्योंकि हर इंसान की कोई ना कोई ख्वाहिश होती है। कोई आईफोन चाहता है, कोई अच्छा बाइक चाहता है, जिसके पास बाइक है वो एक कार चाहता है, जिसके पास कार है वो महंगी और लग्जरी कार चाहता है, कोई घर चाहता है, क्योंकि इंसान की ख्वाहिशें कभी ख़त्म नहीं होती। और जब लोग उनकी स्टोरी से खुद को रिलेट कर पाते हैं कैसे एक हमारे जैसा इंसान या अमीर बन गया, और इन सब चीज़ों से मोटिवेट होकर लोग इन स्कीम्स को ज्वाइन कर लेते हैं। और दूसरा एक रीज़न यह भी है कि लोगों के पास काम नहीं है, क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमें ऐसी कोई नॉलेज या स्किल नहीं सिखाता जिससे हम कुछ अर्निंग कर पाएँ। 12 साल स्कूल में पढ़ने के बाद और उसके बाद 3-4 साल कॉलेज करने के बाद भी हमारे पास कोई ऐसी नॉलेज या स्किल नहीं होती जिससे हम कुछ अर्निंग कर पाएँ और अपनी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको ख़त्म कर पाएँ। वैसे एजुकेशन सिस्टम के ऊपर मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप जाकर देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट में देखने को मिल जाएगा। और जब लोग इन स्कीम की सच्चाई जानने के बाद इसमें काम नहीं करना चाहते, छोड़ना चाहते हैं, या फिर लोग अपने नीचे बंदे नहीं जोड़ पाते, तो ये लोग फिर से आपको सेमिनार में बुलाते हैं। यहाँ फिर से एक बंदा सूट वूट पहन के आता है और अपनी कहानी सुनाता है जिसमें वो बताता है कि मैं भी पहले नहीं कर पा रहा था, बंदे नहीं जोड़ पा रहा था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी, मैं लगातार लगा रहा और देखो आज मैंने ये सब कुछ अचीव कर लिया है। और उसके बाद आप खुद को ही गिल्टी मानने लग जाते हो कि शायद मेरी ही गलती है, मैं ही बंदे नहीं जोड़ पा रहा हूँ और अमीर नहीं बन पा रहा हूँ। ये लोग फिर से आपको मोटिवेट करते हैं क्योंकि जितने ज़्यादा बंदे आप जोड़ोगे उतना ही इनका कमीशन बढ़ेगा और ये उतने ही ज़्यादा पैसा कमाएंगे। लेकिन ये जो मोटिवेशन होता है वो कितने टाइम तक ही रहेगा, आधा घंटा, एक घंटा, दो घंटे? जब तक आप सेमिनार ख़त्म करके अपने घर पहुंचोगे तो थकान की वजह से आपका सारा मोटिवेशन ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि सेमिनार्स में जाकर जो मोटिवेशन मिलता है या फिर कोई मोटिवेशनल वीडियो देखने से जो आपको मोटिवेशन वगैरह मिलता है ये कुछ टाइम तक ही रहता है। जब तक मोटिवेशन अंदर से नहीं आता वो किसी काम का नहीं होता। और जो मोटिवेशन टॉपिक है उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो जरूर लेके आऊंगा, बहुत ही जल्दी आपको चैनल पर देखने को मिल जाएगी, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब बात करते हैं कि ये जो स्कीम्स हैं इनसे बचने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले हमेशा एक बात याद रखो कि शॉर्टकट से आप कभी अमीर नहीं बन सकते। जैसे जो बंदे जोड़ने वाली स्कीम है या फिर कोई फैंटेसी ऐप है जिसमें आप पैसे लगाकर आप सोचते हो कि
मैं जीत जाऊंगा और करोड़पति बन जाऊंगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता। अमीर बनने के लिए आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है, टाइम लगता है, मेहनत लगती है, उसके बाद ही आप अमीर बन पाते हो। आपकी लाइफ का जो भी गोल है उसको अचीव कर पाते हो। जहाँ तक हम बात करें संदीप सर और विवेक सर की कंट्रोवर्सी की, तो उसमें क्या हुआ था कि जो विवेक सर का कोर्स था वो स्पेशली उन लोगों के लिए था जिन्हें बिजनेस की थोड़ी बहुत नॉलेज है या फिर जो लोग छोटा मोटा बिजनेस करते हैं। जैसे कि विवेक सर की कंपनी का नाम है बड़ा बिजनेस, तो ये कोर्स उन लोगों को सेल करना था जो छोटा मोटा बिजनेस करते हैं या फिर जिन्हें बिजनेस की नॉलेज है और वो लोग अपने बिजनेस को बड़ा बनाना चाहते हैं। लेकिन इस कोर्स को सेल करते वक्त किसी की एज, स्किल या क्वालिफिकेशन चेक नहीं की गई और ये कोर्स सबको ही सेल किया गया जो भी इस कोर्स को खरीदना चाहता था, क्योंकि इस कोर्स में अच्छी खासी अर्निंग का वादा किया गया था। और इस अर्निंग को देखते हुए ही कुछ लोगों ने इस कोर्स को खरीदने के लिए अपने गहने गिरवी रख दिए, किसी ने कर्ज ले लिया। और जब लोग इस कोर्स को समझ नहीं पाए या फिर कोर्स में जितनी अर्निंग का वादा किया गया था उसको नहीं कर पाए, तो ये लोग अपने पैसे रिफंड मांगने लगे। उन्हें पैसे तो रिफंड नहीं मिले, लेकिन उन्हें IBC बना दिया गया, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। और अगर आप ये सोच रहे हो कि ये जो इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट है ये आपको बिजनेस के लिए कंसल्ट करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। इन IBC का काम होता था जो विवेक सर का कोर्स है उसको आगे सेल करना, और बदले में उनको कमीशन मिलता था। जैसे कि अगर वो 3 लोगों को सेल करेंगे तो हर एक का 33% उनको मिलेगा और इस तरह उनका पैसा उन्हें रिफंड मिल जाएगा। और ऐसे ये कोर्स को आगे सेल किया गया और आगे भी बहुत सारे IBC बनते चले गए और ये कोर्स बहुत ज़्यादा लोगों को सेल कर दिया गया। लेकिन इस कोर्स में टाइम लिमिट होनी चाहिए थी कि अगर 10 या 15 दिन के अंदर किसी को कोर्स पसंद नहीं आता है तो वो अपना पैसा रिफंड ले सकता है, लेकिन ऐसी कोई टाइम लिमिट इस कोर्स में नहीं रखी गई और इसी वजह से कई लोगों के पैसे डूब गए। और जब संदीप सर के शो में 2 लोगों ने बताया कि जो चीज़ें आप फ्री में सिखा रहे हैं वो हमने एक बहुत ही बड़े यूट्यूबर का कोर्स लेके सीखा है, तो फिर ये कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। वैसे MLM के ऊपर काफ़ी वीडियोस पहले भी बनी हैं, लेकिन इस बार ये कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई, क्योंकि इस बार भारत के 2 बड़े बड़े यूट्यूबर्स आपस में लड़ रहे थे जिनका जो सब्सक्राइबर्स का टोटल है वो 5 करोड़ से ज़्यादा है। इसलिए इस बार ये कंट्रोवर्सी कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो गई और मामला कोर्ट तक पहुँच गया। अभी तो कोर्ट ने दोनों के ऊपर बैन लगा रखा है कि आप दोनों एक दूसरे के ऊपर कमेंट नहीं कर सकते। उम्मीद है कि लोगों को उनका पैसा वापस मिल पाए। वैसे चीज़ें ऑनलाइन आने के बाद सोशल मीडिया के द्वारा लोगों में अवेयरनेस बढ़ी है, ये जो फ्रॉड स्कीम चलती रहती थी उनमें कमी आई है। लेकिन ये जो MLM कंपनियां हैं ये आजकल काफ़ी स्मार्ट हो गई हैं, ये कभी कोई डिजिटल प्रोडक्ट लेकर आती हैं, कभी कोई ई-बुक और अलग अलग तरीक़ों से आजकल फ्रॉड करती हैं। तो आपको भी थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। किसी भी स्कीम में ज्वाइन होने से पहले आप ऑनलाइन उसकी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं या फिर YouTube वगैरह पर आप कोई वीडियो देख सकते हैं। और मैं भी कोशिश करूंगा हमारे सेकंड चैनल पर ये जो ऑनलाइन स्कैम चलते रहते हैं उनसे आपको अपडेट मैं कर पाऊं। और हमारे सेकंड चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपको कोई भी स्कीम ऐसी मिलती है जिसमें बंदे जोड़ने का काम है तो उसको कभी ज्वाइन मत कीजिए और हो सके तो उसकी कंप्लेन जरूर कीजिए। सो गाइस, आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर से कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और राइट वाली वीडियो को जरूर से देख लेना जिसमें मैंने बताया कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं और हमारे भारत की जो भी समस्या है जो कि पैसे से रिलेटेड है हम कैसे उनको खत्म कर सकते हैं, उसके लिए आप लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। और मैं मिलूंगा आपसे बहुत ही जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।